यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा सबसे खूबसूरत, अल्लाह कह रहा है कि ये सबसे खूबसूरत कहानी है जो हम आपको सुनाने लगे हैं। और ये पूरे कुरान में एक ही सूरत है, मुकम्मल सूरत है, मुसलसल सूरत। और यूसुफ अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम में कुछ मुताबकतें हैं, यानी कुछ आपस में मिलते जुलता निज़ाम चलता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से में माँ का जिक्र कोई नहीं, बाप को हाईलाइट किया है। मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में बाप का जिक्र कोई नहीं, माँ को हाईलाइट किया है। एक नबी के ज़रिए से माँ का मकाम बताया है और एक नबी के ज़रिए से बाप का मकाम बताया है। और बतौर बाप जैसा याकूब अलैहिस्सलाम को कुरान ने पेश किया है और किसी को नहीं पेश किया, किसी और को पेश नहीं किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को पानी में फेंका गया, मूसा अलैहिस्सलाम को भी पानी में फेंका गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को फेंकने वाले भाई थे और मूसा अलैहिस्सलाम को फेंकने वाली उनकी वालिदा थी। मूसा अलैहिस्सलाम जाके मिस्र के दरबार में पहुँचे और यूसुफ भी पानी से निकलकर मिस्र के दरबार में पहुँचे। यूसुफ अलैहिस्सलाम पे तोहमत लगी, मूसा अलैहिस्सलाम से ख़ता हो गई, तोहमत नहीं, वाकई हो गया, कत्ल हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम को मिस्र से भागना पड़ा, यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र में कैद होना पड़ा। मूसा अलैहिस्सलाम कनान से दोबारा मिस्र आए और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कनान से अपने सारे अजीज़ व अकारिब को दोबारा मिस्र में बुला लिया। मूसा अलैहिस्सलाम का बचपन माँ के गिर्द घूमता है, यूसुफ अलैहिस्सलाम का बचपन बाप के गिर्द घूमता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने धक्का दिया और मूसा अलैहिस्सलाम को बहन ने माँ तक पहुँचाया। वहाँ भाइयों ने धक्का दिया, बाहर निकाल, यहाँ बहन ने हीले के साथ वापस माँ की गोद में पहुँचाया। बहुत सारी मुनासबात हैं, ये तो अचानक जो जहन में आई मैंने सुना दिया, अब गौर करोगे तो और बहुत सी निकल आएंगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब आता है, वो ख्वाब अपने बाप को बताते हैं। इन्नी रई तो अहद आशर कौकबन व शम्स वल क़मर रई तो हम लीसा जी थी। बच्चे को बाप अपने साथ इस तरह जोड़े मानूस करे कि बच्चा दिल का हाल बाप को बताए या माँ को बताए, यहाँ से ये सबक मिलता है। आजकल के बच्चों को ख्वाब आएगा ना तो दोस्त को बताएंगे, अब्बे को नहीं बताएंगे, क्योंकि अब्बा मोबाइल से फ़ारग नहीं है, कंप्यूटर से फ़ारग नहीं है, और अम्मा को भी ड्रामे से फुर्सत नहीं है, तो वो दोस्त को बताएगा। आज के माँ बाप ने औलाद से दोस्ती ख़त्म कर दी, एक घर में रहकर दोस्ती नहीं। हाँ जी, खाना खा लो, कपड़े पहन लो, स्कूल चले जाओ, ट्यूशन के लिए चले जाहो, ट्यूटर आ गया चले जाओ, कारी साहब आ गए चले जाओ, कितने ग्रेड आए, कितने ए आए, कितने बी ए के भेज दे, पता नहीं ए भी कितों आ गए ना मुरादन। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने दोस्त या अपने भाई को नहीं सुनाते, अपने अब्बा को सुनाते। ये एक सबक है वालदैन के लिए कि औलाद को इतना एतमाद दो कि अपने दिल की बातों में बता सके, अपना हम दम हम राज तुम्हें बनाएं, दोस्तों को ना बनाएं, दोस्तों से गलत मशवरे आएंगे, माँ बाप से सही मशवरे आएंगे। लेकिन जब एक कानूनी सी ज़िंदगी बन जाती है, और ख़ास तौर पर आज का जो निज़ाम तालीम है, इसने एक बेरहम फ़िज़ा पैदा कर दी। एक मासूम नन्ना 3 बरस का बच्चा, वो स्कूल का बोझ लेके जाता है रोता हुआ, आता है रोता हुआ, उसके दिल में माँ बाप की मोहब्बत जन्म ही नहीं लेती, जन्म ली हुई मोहब्बत मर के दफन हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, उसके सारे न्यूरॉन जल जाते हैं जब उसके ऊपर प्रेशर डाला जाता है, पीछे से बिजली का प्रेशर ज़्यादा आएगा, ये उड़ जाएंगे। ऐसे जब उन उस पर प्रेशर पड़ता है, कभी ट्यूशन, कभी स्कूल, कभी ग्रेड, कभी इधर, तो उसके सारे वो न्यूरॉन जो होते हैं वो जल जाते हैं। जब वो शोर में आता है तो समझता नहीं माँ बाप कौन है, दिमाग तो ख़त्म हो चुका है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद को बता रहे हैं कि मैंने ये ख्वाब देखा है। वालिद ख्वाब की ताबीर जानने वाले हैं, वो फरमाते हैं भाई को ना बताना, भाइयों को ना बताना कि कहीं कोई चक्कर ना चला दें तेरे ख़िलाफ़। इससे पता चलता है
कि एक हदीस इस्तईनु अला उमूरकुम बिल कितमान फ़ैन्ना साहिबन नेमत महसूदन, अगर अल्लाह ताला कोई तुम्हें दे तो छुपाने की कोशिश करो। कि नेमतों को देखकर कुछ लोग मोहब्बत करते हैं, कुछ लोग हसद करते हैं, और हसद की नज़र आदमी को खा जाती है, और हसद की का ऐसी बीमारी कि इसका इलाज ही कोई नहीं। अल्लाह ने कहा दुश्मन का इलाज है क्या, इदफा बिल्लती है यह आसान, दुश्मन के साथ अच्छा सलूक कर वो तेरा दोस्त हो जाएगा। और हासिद का अल्लाह ने कहा इलाज कोई नहीं तो क्या कर, कब मुझसे पनाह मांगो, मिन शर हासिदिन इदा हसद, कि हसद का अल्लाह ने इलाज नहीं बताया, सुन रहे हो, अल्लाह ने हसद का इलाज नहीं बताया, पनाह मांगो मिन शर हासिदिन इदा हसद, या अल्लाह बस तू ही जान बचा। तो खैर मेरे ख्याल है पूरा किस्सा सुनाने की बजाय मैं उसका आपको ना उसकी मिथ, उसका जो असल हदफ है, जो अल्लाह बताना चाहता है वो बता दूँ। वाकया तो सबको मालूम है, वहाँ से बाप को धोखा दे के लाए, कुएं में डाल दिया, और इतनी बेदर्दी से मारा पीटा, और जब फेंकने लगे तो उनका हाथ मंडेर पे पड़ गया, तो एक भाई ने यहाँ तलवार मारी कब्ज़ा, यूँ वो इतनी ज़ोर से लगी हाथ छूट गए, तो अल्लाह ने जबरील से फरमाया गिरने से पहले गोद में ले लो, तो पानी में गिरने से पहले जबरील के परों पर थे, और अल्लाह ताला ने वहाँ 3 दिन वहाँ रहे, तो वजाअत सय्यारतुन फअरसलू वारिदहुम फअदला दलवा قال يا بشرى هذا غلام واسر بضاع والله عليم بما يعملون। तो वो काफिला गुजरा, वहाँ कुआं देख के पानी लेने गए, उन्होंने डोल नीचे डाला, यूसुफ अलैहिस्सलाम डोल में बैठ गए, और यूसुफ अलैहिस्सलाम उतिया शतर अल हुस्न, पूरी दुनिया के मर्दों को जो हुस्न मिला, औरतों को जो हुस्न मिला, उसका पूरा 1/2 यूसुफ अकेले को मिला, तो क्या चीज़ों की, क्या चीज़ों की, 7 अरब इंसान तो आज हैं, और आगे कितने आएंगे हमारे बाद, और हमसे पहले कितने गुजर गए, इन सब के हुसन के 2 हिस्से किए जाएं, तो 1 हिस्सा पूरी दुनिया को तकसीम किया और आधा पूरा यूसुफ को दिया, क्या चीज़ होंगे, और जन्नत में हर आदमी हुसन यूसुफ वाला हो, क्या कमाल नहीं। और अल्लाह ताला ने औरतों में सबसे हसीन औरत अम्मा हव्वा को बनाया, अम्मा हव्वा सबसे हसीन औरत थी, उनका असली कद था 130 फुट दी अम्मा जान, 130 फुट के अब्बा जान, यही कद जन्नत में अल्लाह वापस लौटा देगा 130 फुट की हाइट पर। तो जब वो डोल से निकल या बुशरो, यूं ही किया होगा उसने, या बुशरो हादा गुलाम, वो ये क्या चीज़ निकल, हादा गुलाम में हैरत है कि ये क्या है, ये क्या चेहरा है, क्या नूर है, क्या हुस्न है, क्या जमाल है, और अभी इम्तिहान चल रहा है, ऐन उस भाई पहुंच गए उसको उनको चेक करने के लिए कि क्या हाल है, अरे ये तो हमारा भागा हुआ गुलाम है, तुम्हें कहाँ से मिल गया, कहा हमें तो कुएं से मिला, कहा अच्छा ठीक है हम बेचते ले जाओ, व शरा हो बेसामन बख्सन दरा हिम महदूदा वकानूफी ही मिनजाहिदी। तो मिस्र के गवर्नर ने ख़रीदा तो अक्रमी मसवा वसा अन फ़ाना ओ नतु वलदा, और मूसा अलैहिस्सलाम को भी कहा फ़िरौन की बीवी ने कुर्रतु ऐन ली वलक आसा अन फ़ाना ओ नतु वलदा, एक मुनासबत ये भी है, इधर भी कहा जा रहा है नतु वलदा, उधर भी कहा जा रहा है नतु वलदा। तो वहाँ फिरौन ने कहा तेरी ठंडक होगा, मेरी तो नहीं लगता, मैं तो लगता है यही मैनू मारेगा। तो वलम्मा बलगा शुद्दहु आतैना हुक्मन इल्मन व कदालिक नजज़िल मुहसिनीन, जब वो जवानी में आए और हुसन सूरज की तरह चमका, तो अजीज़ मिस्र की बेगम फितने में पड़ गई। وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ, ये हैत लक बम है, बम हैत लक,
हई तलक हि तलक हि तलक हि तलक हई तलक हई तलक हई तलक, इतनी दफ़ा इसको पढ़ा जा सकता है। ये उस वाक़या की खौफनाक शक्ल को बताने के लिए ये लफ्ज़ ये बम मार रहा है। हई तलक हई तलक हि तलक ही तलक ही तलक ही तलक, इसको इमाला करके हई तलक हई तलक हई तलक, इतनी दफ़ा इसको पढ़ा जा सकता है इस अंदाज में, ये बताने के लिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम पर कितनी बड़ी घाटी आ गई थी। और एक जुमले से सारा बातिल चाक हो गया। मआज़ल्लाह इन्नहु रब्बी अहसन मथवाय इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून। हाँ ज़ुलैखा ये नहीं होगा जो तुम चाहती हो, ये नहीं होगा। कमरे बंद, ताले लगाए, पहरे खड़े किए और दरवाज़े बंद। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा कि मैं कहीं भी नहीं भाग सकता, लेकिन ये दरवाज़ा यहाँ तक तो भाग सकता हूँ। तो कहे अल्लाह भाई यहाँ तक दौड़ना मेरा काम है, आगे रास्ता देना तेरा काम। जो दरवाज़े के करीब आए तो ठक ताला टूटा, दरवाज़ा खुल गया। ठक ताला टूटा, दरवाज़ा खुल गया। ठक ताला टूटा, दरवाज़ा खुल गया। भागते भागते आगे पीछे यहाँ तक के बड़े दरवाजे पर आकर उसका पीछे हाथ पड़ा, कुर्ता फट गया, ऊपर से उसका खामिद आ गया। वस्तबक़ल बावक़द्दत कमीसहु मिन कुब मिन मिन दुबरिन व अल्फया सैयदहा लदल बाव। उसने उसी वक्त पैंतरा बदला। मा जज़ा मन अराद बे अहले कसूआ। और उसकी चालाकी देखो, वो तो नहीं उसको कत्ल करवाना चाहती, लेकिन जुर्म ये बताएगी जिस पर कत्ल होता है तो खुद ही सजा तजवीज़ कर दे। इल्ला अन युसजना अव अज़ाबुन अलीम, के भाई कोड़े छोड़े मारे जाएं या कैद किया जाए, कत्ल ना किया जाए। खुद ही सजा तजवीज़ की कि क्या जजा है उसकी जो तेरे घर वालों के साथ बुराई का इरादा करे, सिवाय इसके कि उसे कैद किया जाए या उसको कोड़े मारे जाएँ। कत्ल नहीं कहा, कि वो तो अपनी ख्वाहिश अभी पूरी करना चाहती, उसका नशा भी नहीं उतरा। कहे कहे अरा वदतनिया नफ्स, भाई मैंने कुछ नहीं किया, इसने मुझे बहकाया। तो वहाँ एक बच्चे ने गवाही दी, शायद शाहिद मिन अहलेहा, कुर्ता देख लो, इन कान कमीसहु कुद्द मिन कुबुल फसदकतुहु मिन अलकाज़िबीन व इन कान कमीसहु कुद्द मिन दुबर फकज़बतुहु मिन अस्सादिकीन फलम्मा रा कमीसहु कुद्द मिन दुबर क़ाल इन्नहु मिन कैदकुन्ना इन्न कैदकुन्ना अज़ीम यूसुफ अग़रिद अन हाज़ा वस्तग़फ़िरी लिज़म्बिक इन्नक कुन्त मिन अलख़ाटिईन। क्या खूबसूरत कुरान नक्शा खोलता, वो भी मिस्र का हुस्न, ऐसे ठाठे मारती हुई जवानी, और इधर नबी इब्ने नबी इब्ने नबी इब्ने नबी, इधर भी कमाल है। ये वाहिद हस्ती हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिनका बाप नबी, जिनका दादा नबी, जिनका परदादा नबी, जो खुद नबी। ये इसलिए मेरे नबी से पूछा गया, या रसूल मन अकरमुन्नास, सबसे इज्जतदार कौन है? आपने कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम, कि जो खुद भी नबी, उनके बाप भी नबी, उनके दादा भी नबी, उनके परदादा भी नबी। तो अल्लाह ताला ने उसी के हिसाब से इम्तिहान लिया जिस सतह पर वो थे। तो सारी रस्सियां तोड़वा के भागे और अजीज मिसर सामने पैतरा बदला, इसको कैद करो, इसने ये किया, इसने ये किया। जब वो देखा का तो ही लगता गलत है, यूसुफ भाई तो दरगुजर कर, लेकिन बदनामी हो गई। बदनामी हुई तो फिर उन्होंने कहा इसको कैद में डाल दो, फिर कैद में डाला। उसके बीच में ये वाक़या है कि लनिस्वतुन फिल मदीना तिमरतुल अज़ीज़ तुराविदु फताहा अन नफ़्सी कद शग़फ़हा हुब्बा इन्ना लनराहा फ़ी ज़लालिम मुबीन। अरे ज़ुलैखा, औरतों के ताने, तू मलका होकर, शहजादी होकर एक ग़ुलाम पर ऐसे लट्टू हो गई, तुझे शर्म ना आई, तूने अपनी इज्जत को ना देखा, अपने मर्तबे को ना देखा, ना मैं थोड़ी खबर ले लेनी है। तो फलम मासम याद बेमकर हिन्न अरसलत इले हिन्न व आदलहन मुत्तक आ। उसने एक दस्तरखान सजाया, उस पर फल फ्रूट रखे, व आतत कुल्ल वाहिदत मिनहुन्न सिक्कीना, और एक हाथ में फल दिया, एक हाथ में चाकू दिया। अब वो अपने चाकू से फल काट रही हैं। काला खुरुज अलै कालत खुरुज अलैहिन, यूसुफ बाहर आओ, पर्दा हटा, यूसुफ सामने आए। तो फल काटने के बजाय हाथ कटने लगे,
फलम मारा ऐ न हो अकबर न हो, आँखें यूँ फट के देख रही यूसुफ पे लगी हुई हैं, सब की यूँ आँखें लगी हुई हैं, और ये छुरी जो हाथ में है वो फल की बजाय वो उंगलियों को काट रही और उससे खून गिर रहा है और उन्हें खबर नहीं लग रही। कत्ताना ऐदिया हुन्न वकुलना हाशा लिल्लाह मा हादा बशरा इन हादा इल्ला मलकुन करीम। ये इंसान नहीं कोई देवता है, मलक का तर्जमा फरिश्ता नहीं, फरिश्तों को तो जानते नहीं थे, देवता ये कोई देवता है। तो उनको याद ही नहीं रहा कि हमारे हाथ कट रहे हैं, एहसास ही नहीं हुआ हमारे हाथ कट रहे हैं या फल कट रहे हैं। قالت ذلك الذي لمتنني فيه, देख लिया जे तुम्हें पता भी नहीं चला तुम हाथ काट रही हो, ये है जिसने मुझे पागल बनाया हुआ है। وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمَرَهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ, या ये मेरी बात मानेगा या ये जलील लोग, ये कैद में जाएगा। قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه, या अल्लाह तुम मुझे इनके शर से बचा। आपने फरमाया तरक्त बादी फितनतन रिजाल अदर मिन निसा, मैंने मर्दों पर सबसे बड़ा फितना अपने बाद जो छोड़ के जा रहा हूँ, औरत, औरत से मुराद गलत औरत, रावया बसरी भी औरत है, शावाना भी औरत हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ भी औरत हैं, जुनैद बगदादी की माँ भी, और अन-निसा में इशारा है गलत औरत, गलत औरत, बद किरदार औरत, बद चलन औरत, ये सबसे बड़ा फितना है। बड़ों बड़ों के पाँव से ज़मीन निकल जाती है सिवाय उसके जिसकी अल्लाह अपने फ़जल से हिफाजत फरमाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में चले गए, अल्लाह ताला ने एक ख्वाब के ज़रिए से बाहर निकाला, मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, एक ख्वाब के ज़रिए से बाहर निकाला, और अज़ीज़ मिस्र ने आपको गवर्नर बनाया, वज़ीर ख़जाना बनाया। वजा अख़वत यूसुफ वदखलु अलैहि वहम लहू मुनकिरून, फ़ारफ़हुम वहम लहू मुनकिरून। यूसुफ अलैहिस्सलाम, मैंने ये इस तरह रहते थे, इस तरह अपने चेहरे पे नकाब रखते थे कि कोई उनकी वजह से फितने में न पड़ जाए, तो इस तरह नकाब रखते थे। तो वो तो नकाब में थे, तो भाई आए तो ना उन्होंने पहचाना, ना उनको ख्याल था कि ये यूसुफ बैठा हुआ है, उन्होंने तो गुलाम गुलूम बना के कहीं गल सड़ गया होगा। उन्होंने कहा भाई को लेकर आना वरना तुम्हें गल्ला नहीं दूंगा। भाई आए, आखिरी जगह पहुंचते हैं, दोबारा जब वो गल्ला लेने आए, बिन्यामीन को उन्होंने रोक लिया था, दोबारा जब वो गल्ला लेने आए तो याकूब अलैहिस्सलाम को भाइयों ने बताया कि यूसुफ अज़ीज़ मिस्र ने रोक लिया है बिन्यामीन को। तो याकूब अलैहिस्सलाम को 40 साल हो गए थे रोते हुए। याकूब अलैहिस्सलाम बतौर बाप कैसे हाईलाइट हुए, वजाउ अला कमीसिही बेदमिन कदिब قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون। कुर्ता लेकर आए, खून लगा हुआ लेकिन फटा हुआ नहीं। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया भेड़िया बड़ा सियाणा है, चोला ला के मेरे पुत्र नु खाता सो कुर्ता उतार के मेरे बेटे को खाया, कि कुर्ता कहीं से फटा नहीं और यूसुफ खाया गया, ये सब तुम्हारा मकर फरेब है। लेकिन फसब्र जमील का क्या मतलब है कि बच्चों तुमने बड़ा जुल्म किया है लेकिन मेरी ज़बान से कभी ताना नहीं सुनोगे, मेरा सब्र रहेगा, मौत तक रहेगा, तुम्हें कभी बुरा भला नहीं कहूँगा। और इतनी नाफरमान औलाद को गले से लगा के रखा, सीने से लगा के रखा, इस मोहब्बत ने उनको भी तौबा पे आके खड़ा किया। अगर वो आजकल के वालदैन घर से निकल जाओ, आग कर दो, औलाद और माँ बाप में रस्सा कशी और लड़ाई है और झगड़ा है और नफरत है, ना वो ज़िद छोड़ता है ना वो ज़िद छोड़ता है। माँ बाप को ज़िद छोड़नी चाहिए, बच्चे नादान होते हैं, अकल के कच्चे होते हैं, तजर्बा होता नहीं है, उनके ऊपर अगर हम मुसल्लत होकर अपनी ज़िदों पर उनको झुकाएंगे तो वो टूट जाएंगे, वो बिखर जाएंगे, वो हमसे मुतनफ़िर हो जाएंगे। मैं कुर्बान जाऊँ, वालदैन को याकूब अलैहिस्सलाम की मिसाल सामने रखनी चाहिए कि ना फरमान औलाद को गले से लगा के रखा। और
कहीं भी ताना नहीं दिया कि तुमने मेरे बेटे को मुझसे जुदा कर दिया। फसबरुन जमील, सबर के साथ, सबर के साथ। ये आज के माहौल में याकूब वाली सिफत अगर बाप में होगी तो कोई औलाद ज़ाय नहीं होगी, लेकिन बाप ही जब मुकाबला कर लेता है, ज़िद पे आ जाता है, तो अपने हाथों से अपनी औलाद को दफन कर देता है ताबूत में। नाफरमानी के ताबूत की कील वालदैन लगाते हैं तो वो ज़िद कर लेते हैं, बच्चों से ज़िद कर लेते हैं। अरे अपनी ज़िदें तोड़ दो, वो तुम्हारे ऊपर क़ुरबान हो जाएंगे, फ़िदा हो जाएंगे। अगर उन पर अपनी ज़िदें मुसल्लत करोगे फिर लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे, नफ़रत होगी। तो याकूब अलैहिस्सलाम बतौर बाप इंतहाई हाईलाइट हुए हैं, इंतहाई, कि किस तरह इतना बड़ा जुर्म करने वाली औलाद को भी घर में बैठा के इकट्ठे खाना खा रहे हैं, इकट्ठे उठ, 40 साल से ये सिलसिला चल रहा है और रोते रोते आंखें चली गई हैं। और इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, कि मैं तुम्हें तो कुछ नहीं कह रहा हूँ, तल्ला तफ्ता तज़्कुरु यूसुफ हत्ता तकूना हरदन औ तकूना मिनल हालिकीन। अब्बा जान आप तो तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, यूसुफ के गम में आप मर जाएंगे। कहा मैं तुमसे तो कभी कुछ नहीं कहा, तुम्हें कभी कोई ताना दिया? इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, अल्लाह के सामने रोता हूँ, तुम्हें तो कभी कुछ नहीं कहा। ये बतौर बात, तुम भी बहुत से शादीशुदा हो, तुम्हारे बच्चे छोटे छोटे हो चुके हैं, तुम जो मौलवी होते हो बहुत जल्दी बच्चे को जुनैद बगदादी बनाना चाहते हो, पैदा होते ही सर पे टोपी, दूध पीता बच्चा सर पे टोपी। याकूब अलैहिस्सलाम को पढ़ो ताकि तुम्हें पता चले कि बच्चों को दीन पे कैसे लाना है। आमतौर पर सूरह यूसुफ में यूसुफ अलैहिस्सलाम को हाईलाइट किया जाता है, मैं याकूब अलैहिस्सलाम को हाईलाइट करता हूँ कि मैं उनको बतौर बाप जो देखता हूँ वो को यूसुफ अलैहिस्सलाम से कम दर्जे की अहमियत नहीं है याकूब अलैहिस्सलाम की सूरह यूसुफ में। लेकिन सारे मुफस्सिरीन भी और वाइज़ीन भी और खतीब यूसुफ 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 यूसुफ, याकूब अलैहिस्सलाम को कोई हाईलाइट नहीं करता कि याकूब बतौर बाप किस तरह कद आवर हैं। अल्लाह की कसम आसमान से उनका सर लग रहा है, इतनी कद आवर शख्सियत हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ साथ बतौर बाप। उनके गिर्द तो कहानी घूम रही है, उन्होंने हाईलाइट तो होना ही होना है क्योंकि उनके गिर्द कहानी घूम रही। लेकिन इसी कहानी में याकूब अलैहिस्सलाम का कद भी ओ आसमान से जाके लग रहा है कि औलाद के को लेके चलना कैसे, औलाद बिगड़ जाए उखड़ जाए क्या करना है, लड़ाइयाँ करनी है, घर से निकालना है, मुकाबले करने हैं, नहीं दब जाना है, शिकस्त मान लेनी है, हार मान लेनी है और मोहब्बत को बढ़ाना है। मोहब्बत एक ऐसा जादू है जो सर चढ़ के बोलता है और एक न एक दिन वापस लेकर आता है। लेकिन मुकाबले, बीवी से मुकाबला, बच्चों से मुकाबला, भाइयों से मुकाबला, मुकाबले ने तो हमें हमारी ज़िंदगी तलख और तबाह और सह करके रख दी। याकूब अलैहिस्सलाम ने ख़त लिखा वज़ीर ख़ज़ाना, उनके पता आ गए यूसुफ है कि हम अम्बिया की औलाद हैं, हम चोर नहीं हैं और बड़े इम्तिहान से गुज़र रहे हैं। मेरे दादा को आग में डाला गया, मेरे बाप को छुरी के नीचे से निकाला गया। हज़रत इस्माइल को बाप का लकब दिया, कि अरबी में चाचे को भी बाप कह सकते हैं ना, तो मेरे बाप को छुरी के नीचे से निकाला गया, मेरे बेटे को मुझसे छीना गया, 40 बरस गुज़र गया उसकी याद में मैं अंधा हो गया, अब तूने मेरा सहारा उस रोक लिया है, बरा मेहरबानी आज़ाद कर दो। अच्छा, याकूब अलैहिस्सलाम भी नबी हैं, यूसुफ भी नबी हैं। यूसुफ एक हफ्ते की मुसाफत पर मिस्र में हैं, लेकिन अल्लाह की तरफ से इजाज़त नहीं मिली होगी अपने आप बताने की, वरना तो वज़ीर ख़जाना बनते ही किसी को भेज देते, जाओ भाई मेरे अब्बा को बताओ। इधर भी खामोशी है, उधर भी खामोशी है। जब यह ख़त पढ़ा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तो रो पड़े और अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मुझे अपने आप को ज़ाहिर करने दिया। तो अल्लाह ने कहा ठीक है, ज़ाहिर कर दो अपने आप। तो अब भाइयों को बुलाया। अच्छा, बीच में एक वो ख्वाब की बात में एक बात अभी याद आई, वो कह दूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम बेगुनाह कैद में गए, ठीक, बादशाह ने ख्वाब देखा है। तो यूसुफ अय्यस्सिद्दीक़ अफ्तनाफ़ी सब बकरातन सिमानन याकुलुहुन्न सब्उन अजाब व सब्उ सुंबुलातन खुदरन व उख़रा याबिसात लअली अर्जु लिन्नास लअल्लहुम यअलमून। तो भाई यूसुफ, हमारे बादशाह ने ये ख्वाब देखा है, आप ताबीर दे दो। तो इंसानी फितरत का तकाजा है, यूसुफ कहते
मुझे बेगुनाह जेल में डाला, मैं तुम्हें ताबीरें दूं, जाओ दफा हो जाओ, नहीं देता। ये रद्द अमल, अकली रद्द अमल ये है कि मैं नहीं देता तुम्हें ताबीर, मेरा क्या कसूर है, मुझे क्यों जेल में डाला हुआ है, जाओ भाग जाओ, मैं नहीं देता ताबीर। और ईमानी रद्द अमल क्या था कि उन्होंने सिर्फ ताबीर मांगी, उन्होंने फसरा व दब्बरा व बशरा, उन्होंने एक शय मांगी ताबीर, तो फसरा कह दो अब्बरा कह दो, उन्होंने ताबीर भी दी, कहत से निकलने का तरीका भी बताया और कहत के बाद खुशहाली आने की खुशखबरी भी सुनाई। ये नबी के अखलाक। तूने मेरे साथ ये क्या, और मेरे पास किस लिए आया, तुझे याद नहीं तूने मेरे साथ क्या किया था। ये है आज के अखलाक भी यही हैं और इंसान चलता भी इसी पर है। और तू मेरे नाल कीता कि आज मैं तेरे नाल क्यों चंगा करना, चल दौड़ जा। और मैं कुर्बान जाऊँ अखलाक यूसुफ पर कि अब्बरा व दब्बरा व बशरा, ताबीर भी सुनाई, तरीका भी बताया, बशारत भी सुनाई कि आएगा साल फिर सुम बारिशें भी होंगी और चहल पहल भी होगी। तो अल्लाह से मांग लो कि अखलाक यूसुफ अल्लाह तुम्हें नसीब फरमा दे। यूं नकाब था और भाई आ गए दोबारा, अब इजाज़त हो चुकी है कि बता दो, तो ऐसे नकाब हटाया। हल अलिम तुम मा फ़अल तुम यूसुफ व अखीहि इज़ अंतुम जाहिलून। सुभान अल्लाह। उफ़ 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 उफ़। जो कुछ भाइयों ने किया था तो उसके लिहाज से मेरे ज़हन में जुमला बनता है, कद अलिम तुम मा ज़लम तुम बे यूसुफ व अखीहि इज़ अंतुम आमदून। समझो मेरा जुमला, तुम्हें खूब याद होगा जो तुमने यूसुफ और उसके भाई पे जुल्म किया सोची समझी स्कीम और साजिश के तहत। ये जुमला बनता है। और अखलाक यूसुफ देखो, हल अलिम तुम, मैंने थोड़ी देर पहले बताया हल कहाँ बोला जाता है, जहाँ मुझे ये पता हो कि मौली शाह साहब मेरी बात नहीं जानते इसलिए मैं हल कर, क्या आपको पता चला, ये है हल, क्या आपको मालूम है, ये हल है। तो हल का लफ्ज़ ला के भाइयों को क्या बता रहे हैं कि तुम बेखबर थे, बेखबर थे। हल अलिम तुम, बेखबरी में, बेखबरी में मा फ़अल तुम, फ़अला अरबी ज़ुबान का कमज़ोर तरीन लफ्ज़ है, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत यूसुफ फ़अल तुम बे यूसुफ, थोड़ा बहुत यूसुफ के साथ कोई ऊंच नीच हो गई थी और उसके भाई के साथ, इधन तुम जाहिलून, वो भी तुमने जानबूझ के नहीं किया था, नादानी में हो गया था। इतना बड़ा ज़र्फ, इतना बड़ा ज़र्फ। देखो हाथ जोड़ता हूँ, ये अखलाक अल्लाह से मांगो। मुकर्ररों से पाकिस्तान भरा पड़ा है, मुफस्सरीन से, वाइजीन से, नासहीन से, मुसन्निफीन से पाकिस्तान भरा पड़ा है, मुदर्रसीन से, शारहीन से पाकिस्तान भरा पड़ा है। और इस अखलाक वाले को ढूंढने निकलोगे, बूढ़े हो के घर आओगे, मिलेगा कोई नहीं। आयो शाक गए वादा फरदा लेकर, अब उन्हें ढूंढ चरागे रुख ज़ेबा लेकर, कि मिलेगा ही कोई नहीं। अल्लाह अकबर। हल अलिम तुम, कुछ बेखबरी में हुआ, मा फ़अल तुम, बहुत थोड़ा सा हुआ, बे यूसुफ व अखीह, बाकी मा ज़लम तुम, यूसुफ आना चाहिए था सीधा डायरेक्ट मफूल बही बना के, फ़अल तुम के साथ मफूल बही को बा के साथ जुदा कर दिया, फिर और हल्का कर दिया, और हल्का कर दिया। व अखीह इज़ अंतुम जाहिल, उस वक्त तुम्हें खबर नहीं थी। भाइयों का जो रद्द अमल हुआ, अन्नक लअंत यूसुफ, अन्नक शक, लअंत यकीन, अन्नक खौफ, लअंत उम्मीद, अन्नक घबराहट, लअंत इत्मीनान,
इन्नका परेशानी, लअंता कुछ सुकून। ये मुख्तलिफ कैफियात इस दो जुमलों दो लफ्ज़ों में हैं, जिसको मैं अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से ना तर्जमा किया करता हूँ। इन्नका लअंता यूसुफ, मेरे चेहरे की तब्दीली देखी। इन्नका लअंता यूसुफ, सुभानअल्लाह। आप कहीं हो यूसुफ है ना, यूसुफ है ना। शक यकीन खौफ इत्मीनान परेशानी सुकून, क्या कुरान ने लफ्ज़ बोला है और कितने खूबसूरत अंदाज में दो कैफियतों को क्या खूबसूरत करके पेश किया है। انك لانت يوسف انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا। सूरह यूसुफ नहीं, पूरे कुरान का अब खुलासा सुनो। انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين। मेरे भाइयों, जो सब्र और तकवे से काम लेता है अल्लाह उसे कभी जाय नहीं करता है। सारे कुरान की तालीमात एक जुमला मैं यत्तक़ी वयस्बिर, जो तकवा और सबर का दामन थाम लेता है वो कभी ज़ाय नहीं होता है। तकवा में इशारा था ज़ुलैखा के किस्से की तरफ कि तकवे पे इससे बड़ा वार कोई नहीं हो सकता था, तो उसको सहकर सलामत रहे कोह काफ की तरह और हमालिया पहाड़ की तरह। तो ज़ुलैखा की तरफ इशारा किया लफ्ज़ तकवा के ज़रिए कि मुझ पर एक इम्तहान गुजरा है और अल्लाह ने मुझे उसमें सुरखरू किया और अल्लाह की कसम अल्लाह ही बचाता। कभी दावा ना करना। मैं दावे से इतना डरता हूँ जितना आग से डरता हूँ। मुझे ख्याल भी आ जाए तो मैं तौबा करते करते नफलों में लग जाता हूँ। अल्लाह मेरी जान बचा, मेरा कोई दावा नहीं। मेरे मालिक तेरी इज्जत की कसम सब तेरा दिया हुआ है, तू यूँ कर दे तुझे एक सेकंड में भी बहुत देर की बात, पल के करोड़ों हिस्से में जेरो जबर कर दे तुझे ताकत। तो मैयत के तकवा गुनाहों से बचना, तो ज़ुलैखा का किस्सा इसमें फिट होता है। और वयस्बर जो भाइयों के साथ करके दिखा दिया, जो बादशाह के साथ करके दिखा दिया, ख्वाब की ताबीर दी, भाई आए तो कोई ताना नहीं दिया। अल्फाज देखो, कद अलिम तुम मा ज़लम तुम बे यूसुफ व अखीह इज़ अंतुम आमिदून में कितनी छुरियाँ हैं, और हल अलिम तुम मा फ़अल तुम बे यूसुफ व अखीह इज़ अंतुम जाहिलून। फूल बखेर दिए, फूल भाइयों को शर्मिंदगी से बचा लिया। और जब याकूब अलैहिस्सलाम वापस आए और पहुँचे, तो जब कारगुजारी सुनाने लगे भाइयों के सामने, तो पिछली सारी कट करके कहा, इज अखरजनी मिन सिजन व जाबकुम मिन अल बदव मिन बाद अन नज़ग़ अश्शैतान बैनी बैन इख्वती इन रब्बी लतीफुल लिमा यशा। पूरी कहानी कट कर दी, वो सुनाई नहीं। मेरे भाइयों ने कैसे निकाला, कैसे डाला, कैसे बेचा, कैसे धक्का दिया, कैसे हीला किया, अपनी कहानी को जेल से शुरू किया। मैं कैसे बताऊँ अखलाक यूसुफ। भाई बैठे थे ना, अब याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, बेटा कारगुजारी सुनाओ, कैसे हुई, क्या सुनने तो थी ना कारगुजारी, क्या हुआ, कैसे हुआ। कबस अब्बा जान अल्लाह ने जेल से निकाला। पिछली सारी कहानी दफन कर दी। कद अहसन बी रब्बी, याकूब अलैहिस्सलाम को कारगुजारी सुनाने लगे। जब हम कारगुजारी सुनाते हैं चिल्ले की जमात, तो भाई जब रायमंड से निकले थे वहीं से शुरू होती है ना कारगुजारी। तो मैं कुर्बान जाऊँ अखलाक यूसुफ पर कि उन्होंने पीछे से कहानी नहीं सुनाई कि मुझे कैसे निकाला, मुझे कैसे कुएं में डाला, मुझे कैसे बेचा। कद अहसन बी अब्बा जान, बस अल्लाह ने बड़ा करम किया, अल्लाह ने मुझे जेल में डाल दिया था मिस्र वालों ने, तो मुझे अल्लाह ने जेल से निकाला और अल्लाह आपको वहाँ से कनान से मेरे पास लेकर आ गया। ये सब मेरे रब का और मेरे मौला का करम है। अपने भाइयों को शर्मिंदा होने से बचा दी। अल्लाह मुझे इन अखलाक का ज़र्रा दे दे, अल्लाह आपको इन अखलाक का ज़र्रा दे दे। अल्लाह की कसम, आपको कोई पकड़ नहीं सकेगा इबादत और इल्म के ज़रिए से। ये सारे धरे रह जाएंगी
इबादत, नफली इबादत और नफली ज़िक्र, अज़कार, तस्बियाँ, मुराकबे, अखलाक, ऐसा इतना तेज़ रफ्तार रॉकेट है कि उसको कोई नहीं पकड़ सकता। मेरे पास सईद अमर और यूसुफ, मोहम्मद यूसुफ नया नया मुसलमान वतन मेरे पास आए, दोनों कहने लगे ताकत तो लग गई क्रिकेट में, तो कोई शॉर्टकट बताओ जन्नत के। तो मैंने थोड़ी सी अखलाक की बात की, मैंने कहा ये कर लो। कहने लगे नहीं ये तो मुश्किल है, कोई और बता, ये तो मुश्किल सबक है।